राजधानी लखनऊ में गुरुवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष अनिल वर्मा ने पार्टी मुख्यालय पर एक बैठक के बाद निर्णय लिया कि जिस तरीके से लखनऊ के विभिन्न थानों में लोगों की FIR दर्ज नहीं हो रही है और लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, इन सभी मामलों को लेकर वह लखनऊ के पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे को ज्ञापन सौंपेंगे और मांग पत्र देंगे। अनिल वर्मा ने मांग की कि थाना ठाकुरगंज और शहादतगंज के जो थाना प्रभारी हैं, उनका लापरवाही पूर्ण रवैया जनता के लिए सही नहीं है। पार्टी इस विषय को लेकर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देगी और दोनों थाना प्रभारियों को हटाने की मांग करेगी। प्रदेश में और खासकर लखनऊ में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद लोगों की आम आदमी के FIR नहीं दर्ज हो रही है। मैं अनिल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ होने के नाते ये बताना चाहता हूँ, आज कमिश्नर ऑफिस हम लोग जा रहे हैं और ये निवेदन करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि ठाकुरगंज थाना और शहादतगंज थाने और लखनऊ के सारे थानों में जब आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है तो और लोगों की क्या दिक्कतें होंगी। एक व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो, दरोगा के पास जाता, फिर SO के पास जाता, फिर SP के पास जाता, फिर जॉइंट कमिश्नर के पास जाता, कमिश्नर साहब से उसकी मुलाकात नहीं होती और चौकी इंचार्ज गलत रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट पे पूरा प्रशासन चलता है, चाहे प्रमुख गृह सचिव से आदेश करा दीजिए, चाहे कमिश्नर आदेश कर दें, लेकिन आदेश SO कहता है कि जब तक ठाकुरगंज SO कहता है जब तक योगी जी नहीं कहेंगे तब तक मैं कोई बात नहीं मानूंगा। तो ये दुर्भाग्य है कि राजधानी और पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही लोग कर रहे हैं, आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही। आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं ज्ञापन देने, आज शांति मार्च करके ज्ञापन देंगे और आगे अगर यही दशा लखनऊ की रही तो निश्चित तौर पर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ठाकुरगंज SO को तत्काल हटाया जाए और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और जिन लोगों के मुकदमे नहीं किए जा रहे उनके मुकदमे तत्काल किए जाए, ये मांग लेके आज हम लोग कमिश्नर ऑफिस जमा ना होंगे। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive 24 News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।